बद्रीनाथ की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम बद्रीनाथ की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दर्शन हो भक्तजनों, आज हम आपको श्री बद्री नारायण की कथा सुनाएंगे कि किस प्रकार भगवान विष्णु क्षीर सागर को छोड़कर धरा लोक पर केदार खंड में आकर रहने लगे और कैसे बद्री नारायण कहलाए। प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में एक दुर्दम नामक दानव था जिसने हजारों वर्ष तक सूर्य देव की तपस्या की और उसने अमरता का वरदान मांगा, किंतु सूर्यदेव ने उनसे कहा कि हे दुर्दम, ये विधि का विधान है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, अतः तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब दुर्दम नामक दानव ने सूर्यदेव से वर मांगा, हे सूर्यदेव, मुझे 1000 कवच दे दो और मेरे एक कवच को वही तोड़ सके जिसने 10,000 वर्ष तक तपस्या की हो। सूर्य देव ने उन्हें मन वांछित वर दे दिया। सहस्त्र कवच होने का दुर्दम ने वरदान है पाया, दुर्दम से फिर सहस्त्र कवच वो दानव कहलाया और वर पाया। एक कवच मेरा भंग कर सके वही, 10,000 वर्षों तक जिसने कठिन तपस्या की। सोच रहा था ऐसा तपस्वी हो नहीं सकता है, यदि हो गया एक कवच को तोड़ ही सकता है। मृत्यु संभव नहीं है मेरी, हो जाऊंगा अमर, सहस्त्र कवच को अहंकार हुआ बस इतना ही सोच कर। अत्याचार अब तो उसके बढ़ने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दर्शन हो भक्तजनों, जब सूर्य देव ने अमर होने का वरदान नहीं दिया तो दुर्दम ने 1000 कवच होने का वरदान सूर्य देव से मांग लिया और इतना कहा कि मेरे एक कवच को वही तोड़ सके जिसने 10,000 वर्ष तपस्या की हो। प्रिय भक्तों, 1000 कवच प्राप्त करने के पश्चात दुर्दम का नाम बदलकर सहस्त्रा कवच हो गया। उसने सोचा कोई भी तपस्वी 10,000 वर्ष तपस्या करके मेरे सिर्फ एक कवच को तोड़ सकता है और 1 करोड़ वर्ष तपस्या करना किसी के लिए संभव नहीं, अतः ना मेरे कवच टूटेंगे और ना ही मेरी मृत्यु होगी। इतना सोचकर सहस्त्रा कवच ने तीनों लोकों में अपना राज्य स्थापित करने की ठान ली। सबसे पहले उन्होंने सभी दैत्यों को अपने अधीन कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि किसी को भी तपस्या ना करने दें, क्योंकि कोई तपस्वी ही उसका कवच तोड़ सकता था। सहस्त्रा कवच ने फिर धरती पर अत्याचार बढ़ाए, दैत्यों को आदेश दिया कोई तप करने ना पाए। कर दो हत्या उसकी जो तप करता पाएगा, चिंतित हो गए देव, धर्म क्या नष्ट हो जाएगा।
सहस्त्रा कवच के डर से कोई जो ना करे तपस्या, करने लगे विचार ये तो बड़ी गंभीर समस्या। यदि तपस्वी ही नहीं रहे तो हमें कौन पूजेगा, विष्णु जी के पास ही कुछ इसका समाधान मिलेगा। विष्णु जी की शरण में सभी देवता आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, धरती का वैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दर्शन हो उदार, है यही मोक्ष का द्वार। कर दर्शन हो उदार, है यही मोक्ष का द्वार। प्रिय भक्त जनों, सहस्त्रा कवच ने जब दैत्यों को आदेश दिया कि धरती पर जो कोई तपस्वी मिले उसकी हत्या कर दो, तो सभी देवता बड़े ही चिंतित हुए। सोचने लगे, जब कोई तपस्वी ही नहीं रहेगा तो धर्म ही नष्ट हो जाएगा। प्रिय भक्तों, जब जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होता है तो विष्णु जी ही तारणहार बनकर उसे मिटाते हैं। सभी देवताओं ने सोचा कि सहस्त्रा कवच का संहार करने का उपाय विष्णु जी ही बताएंगे, और इतना सोचकर सभी देवता विष्णु जी से आकर विनती करने लगे। हे प्रभु, सहस्त्रा कवच अपने अहंकार में इतना चूर हो गया है कि उसने धरती से तपस्वियों को मिटाने का आदेश दे दिया है, इसलिए हे प्रभु, आप शीघ्र ही उस पापी से हमें मुक्ति दिलाएं। विष्णु जी ने सोचा कि यदि 10,000 वर्ष तपस्या करके सहस्त्रा कवच का सिर्फ एक कवच भंग हो सकता है, तो किसी ऐसे स्थान की खोज की जाए जहां पर एक दिन तपस्या करने का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर हो। विष्णु जी ने देखा अपने दिव्य दृष्टि से, एकमात्र केदार खंड ही स्थान है धरती पे। सहस्त्र गुणा फल जहाँ तपस्या करने का मिल सकता, बोले विष्णु सब देवों से आप करें ना चिंता। सहस्त्रा कवच के अत्याचारों का हो जाएगा निदान, केदार खंड में धरती पर मैंने देख लिया है स्थान, जहाँ स्वयं ही जा करके मैं करूँगा आत्मचिंतन। इतना सुनकर सब देवों ने किया उनको वंदन। विष्णु जी केदार खंड में फिर चले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, धरती का वैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दर्शन हो उदार, है यही मोक्ष का द्वार। कर दर्शन हो उदार, है यही मोक्ष का द्वार। प्रिय भक्त जनों, देवताओं की पुकार सुनकर श्री विष्णु भगवान सोचने लगे कि सहस्त्रा कवच ने वरदान ही ऐसा मांग लिया है कि साधारण तौर पर उसका संहार असंभव सा लगता है, अतः किसी ऐसे स्थान की तलाश करनी पड़ेगी जहां एक ही दिन तपस्या करने से 10,000 वर्ष तपस्या करने का फल प्राप्त हो। श्री हरि विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि तीनों लोकों में सिर्फ पृथ्वी लोक पर ही केदार खंड नामक एक ऐसा स्थान है जहां एक दिन तपस्या करने का फल 10,000 वर्ष तपस्या के फल के बराबर है, और स्वयं श्री हरि आत्मचिंतन के लिए केदार खंड में आते हैं। किंतु उन्होंने देखा कि यहां तो भोलेनाथ और माता पार्वती निवास कर रहे हैं, तब विष्णु जी सोचने लगे कि भोलेनाथ का स्थान ना तो मैं विनय करके ले सकता हूँ ना ही बलपूर्वक, अतः कोई दूसरी लीला करनी पड़ेगी।
निवास स्थान जो भोले पार्वती का वहाँ पाया है। विष्णु जी ने फिर तो बालक रूप बनाया है। भोलेनाथ और माता पार्वती गए थे विचरण करने, फिर तो निर्णय किया है विष्णु जी ने अपने मन में। सोचा यहाँ तो भोलेनाथ और माता रहते हैं, बालक बनकर गुफा द्वार पर आकर बैठे हैं। भोलेनाथ और पार्वती माँ जब है लौट के आए, गुफा द्वार पर विष्णु बैठे बालक रूप बनाए। जोर जोर से देख उन्हें रोने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दर्शन हो भक्त जनों, गुफा द्वार पर एक अनजान बालक को बैठा हुआ रोते देखकर माता पार्वती का मातृत्व छलक आया और उन्होंने बालक को गोद में उठाने की चेष्टा की तो भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, इसे मत उठाओ, ये कोई साधारण बालक नहीं लगता। यदि कोई माता इसे छोड़कर यहाँ गई होती तो उसके पद चिन्ह अवश्य मिलते, किंतु देखो यहाँ किसी के भी पद चिन्ह नहीं है। किंतु माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, आप कुछ भी कहें, किसी बालक का यूं रोना मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैं इसे गुफा के भीतर लेकर जाऊंगी। माता पार्वती भोलेनाथ के मना करने के पश्चात भी बालक रूप में विष्णु जी को गुफा के भीतर ले आई और उन्हें बड़ा प्यार और दुलार दिया। थोड़ी ही देर में बालक सो गया। कुछ देर पश्चात ही भोलेनाथ और माता पार्वती विचरण करने के लिए फिर से बाहर चले जाते हैं। जैसा चाहते थे विष्णु जी वैसा ही हुआ है। आत्मचिंतन करने के लिए उत्तम स्थान बना है। बालक समझ कर माता पार्वती भीतर ले आई, विष्णु जी की माया को वो जान नहीं पाई। माता थी वो, मातृत्व भी उनका छलक आया। प्यार दुलार किया है उसको, पालन में है सुलाया। बाहर निकल गए फिर से दोनों उस बालक को सुला के, किंतु लौट के जब आए तो देखा उन्होंने आके, गुफा द्वार को भीतर से ही बंद पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दर्शन हो भक्त जनों, क्योंकि विष्णु जी को आत्मचिंतन के लिए ऐसा स्थान चाहिए था जहां एक दिन के तप का फल 10,000 वर्ष की तपस्या के बराबर हो, और इस प्रकार बालक बनकर उन्होंने ये स्थान ले लिया। अब भोलेनाथ के पास उस स्थान को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था, अतः भोलेनाथ और माता पार्वती गंधमादन पर्वत पर चले आए, जो स्थान केदारनाथ कहलाता है, और विष्णु जी वहां बैठकर तपस्या में लीन हो गए। उधर क्षीर सागर में माता लक्ष्मी अकेले बैठी हुई थी तो मुनि नारद नारायण नारायण करते करते माता लक्ष्मी के पास पहुंच जाते हैं और उनसे पूछने लग जाते हैं। मुनि नारद ने माँ लक्ष्मी से फिर तो प्रश्न किया है, कैसे आप अकेली माता और विष्णु जी कहाँ हैं?
माँ लक्ष्मी ने नारद जी को सारा हाल बताया। हंसकर बोले नारद जी है उनकी अजब ही माया, कैसे तपस्या करने को वो अकेले चले गए हैं। अर्धांगिनी हो माता तुम, तुम्हें कैसे छोड़ गए हैं। ना जाने कितने वर्षों तक रहेंगे तप में लीन, आपकी सेवा का अधिकार भी लिया उन्होंने छीन। आप भी जाओ वही मुनि नारद ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दर्शन हो ये भक्त जनों, मुनि नारद की बात सुनकर माता लक्ष्मी भी केदार खंड में आ गईं और आकर देखा कि विष्णु जी घोर तपस्या में लीन हैं। उनके ऊपर ना कोई छाया है ना ही छत है, कभी वहां बरसात होने लगती, कभी धूप आ जाती और कभी बर्फबारी होने लगती। माता लक्ष्मी सोचने लगी ऐसे तो इनकी तपस्या में विघ्न पड़ेगा। माता लक्ष्मी ने सोचा कि मैं ऐसा कोई यत्न करूं जिससे इनकी साधना में विघ्न भी ना हो और मुझे इनकी सेवा करने का अवसर भी प्राप्त हो जाए। तब माता लक्ष्मी ने एक विशाल बेरी के वृक्ष का रूप धारण किया और विष्णु जी के ऊपर छाया कर दी। प्रिय भक्तों, बेरी का दूसरा एक नाम बद्री भी है, तभी से इस स्थान को बद्रीनाथ कहा जाने लगा। सहस्त्रा कवच का करना चाहते थे क्योंकि संहार, बनकर बद्रीनाथ उन्होंने तभी लिया अवतार। तीन कोस की दूरी वहां पर धर्म क्षेत्र भी है, जहां तपस्या करने आए धर्म प्रजापति हैं। और साथ में करती तपस्या उनकी पत्नी मूर्ति, पति पत्नी दोनों चाहते थे एक पुत्र की प्राप्ति। उनकी तपस्या से विष्णु जी हुए बड़े ही प्रसन्न, धर्म प्रजापति और मूर्ति को जाकर दे दिए दर्शन। मन वांछित वरदान उन्हें वो देना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दर्शन हो उदार है यही मोक्ष का द्वार, कर दर्शन हो उदार है यही मोक्ष का द्वार। प्रिय भक्त जनों, क्योंकि सहस्त्रा कवच का वध करना आवश्यक हो गया था और कोई एक अकेला इतनी तपस्या कर नहीं सकता था, तो बद्रीनाथ से तीन कोस की दूरी पर धर्म प्रजापति और उनकी पत्नी धर्म क्षेत्र नामक स्थान पर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से तपस्या कर रहे थे। तब विष्णु जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब माता मूर्ति ने कहा, हे विष्णु जी, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। विष्णु जी ने उन्हें वरदान दिया कि हे माता, तुम्हें मेरा ही स्वरूप नर और नारायण नाम के दो पुत्र प्राप्त होंगे, जो बड़े ही सिद्ध तपस्वी होंगे और वही सहस्त्र कवच नामक दैत्य का भी संहार करेंगे। विष्णु जी का वरदान पाकर धर्म प्रजापति और माता मूर्ति बड़े ही प्रसन्न हुए। माता मूर्ति के मन में एक पुत्र की इच्छा थी, नर नारायण रूप में हुई उन्हें दो पुत्रों की प्राप्ति। क्योंकि विष्णु जी ने उनको ऐसा दिया वरदान, मेरा स्वरूप ही नर नारायण होंगे पुत्र महान। जिनकी कठिन तपस्या से हौसले
दृष्टि पर उपकार। सक्षम होंगे सहस्त्र कवच का करने को संहार। नर नारायण फिर तो करने लगे तपस्या है, सहस्त्र कवच की सेना को फिर पता चल गया है। अनेकों दैत्य वध करने उनका चले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दर्शन हो जब नर और नारायण तपस्या करने लगे तो सहस्त्र कवच को पता चल गया कि नर और नारायण नाम के दो तपस्वी घोर तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी दैत्य सेना को उनका वध करने के लिए भेज दिया, किंतु नर नारायण तो विष्णु का ही रूप थे, भला दैत्य उनके सामने कैसे टिक पाते। सहस्त्र कवच की सेना उनके तेज के समक्ष टिक ही नहीं पाई। अंत में सहस्त्र कवच स्वयं युद्ध करने के लिए आता है तो सर्वप्रथम नर के साथ भिड़ जाता है। दोनों के मध्य बड़ा ही घोर युद्ध होता है और सांझ ढलते ढलते नर सहस्त्र कवच के एक कवच को तोड़ देते हैं। फिर अगले दिन नारायण युद्ध करने को आए और नर तो जा कर के लीन तपस्या में हो जाए। नारायण ने कवच दूसरा तोड़ा दूजे दिन, नर आ गए हैं युद्ध करने को उससे तीजे दिन। एक युद्ध करने को आए और एक करता तपस्या, 999 दिनों का समय तो ऐसे बीता। सहस्त्र कवच हुआ है फिर तो भक्त बड़ा भयभीत, लगा सोचने मृत्यु मेरी आ गई अब तो समीप। दोनों भाई अंत मेरा अब करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दर्शन हो उदा है यही मोक्ष का द्वार, कर दर्शन हो उदा है यही मोक्ष का द्वार। प्रिय भक्त जनों, जैसा कि हमने बताया यहाँ एक दिन तपस्या करने का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के बराबर है। नर और नारायण दोनों ने बारी बारी युद्ध करके उसके 999 कवच तोड़ दिए। सहस्त्र कवच ने सोचा अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, तो युद्ध भूमि से भागकर सूर्य देव की शरण में चला गया। नर और नारायण भी उसके पीछे पीछे सूर्य देव तक पहुंच गए और कहने लगे, हे सूर्य देव, सहस्त्र कवच को हमें सौंप दो। तब सूर्य ने विनती की, हे प्रभु, शरणागत की रक्षा करना मैंने आपसे ही सीखा है, तो भला सहस्त्र कवच को आपको कैसे सौंप सकता हूँ। हाँ, मैं वचन देता हूँ कि आज के पश्चात ये कोई भी पाप नहीं करेगा। तब नर और नारायण कहने लगे, किंतु इसका वध तो हमारे हाथों निश्चित है, यदि ये पाप भी नहीं करेगा तो इसे हमारे हाथों ही मरना पड़ेगा। किंतु हम दोनों भाई आपका भी अपमान नहीं कर सकते, अतः द्वापर युग में माता कुंती की पुकार पर आपको इसे माता कुंती की झोली में डालना होगा और तब ये कर्ण कहलाएगा और हम दोनों भाई कृष्ण और अर्जुन के अवतार में आएंगे, तब हमें इसका वध करना होगा। प्रिय भक्त जनों, इस तरह द्वापर युग में नर और नारायण ने श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लिया। तभी अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ, किंतु ये सारी लीला बद्रीनाथ के रूप में भगवान विष्णु ने ही की थी।
केदार खंड में आकर विष्णु बन गए बद्रीनाथ। नर नारायण लिया अवतार है फिर तो एक ही साथ। दो दो रूपों में किए विष्णु जी जहां लीलाएं, फिर कैसे ना वो धरती बैकुंठ सिमानी जाए। आकर के जहां हुए अवतरित विष्णु जी साक्षात, बद्री बन मां लक्ष्मी आई तब है बद्रीनाथ। आज तलक भी भक्तों को जहां देते हैं दर्शन, डीएस पाल ने श्रद्धा पूर्वक किया कथा का वर्णन। फौजी सुरेश से हंस राज रलहन लिखवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दर्शन हो उदा है यही मोक्ष का द्वार। कर दर्शन हो उदा है यही मोक्ष का द्वार। हम बद्रीनाथ की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम बद्रीनाथ की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दर्शन हो उदा है यही मोक्ष का द्वार। कर दर्शन हो उदा है यही मोक्ष का द्वार। प्रिय भक्त जनों, आज हम आपको श्री बद्री नारायण की कथा सुनाएंगे कि किस प्रकार भगवान विष्णु क्षीर सागर को छोड़कर धरा लोक पर केदार खंड में आकर रहने लगे और कैसे बद्री नारायण कहलाए। प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में एक दुर्दम नामक दानव था जिसने हजारों वर्ष तक सूर्य देव की तपस्या की और उसने अमरता का वरदान मांगा। किंतु सूर्य देव ने उनसे कहा कि हे दुर्दम, ये विधि का विधान है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, अतः तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब दुर्दम नामक दानव ने सूर्यदेव से वर मांगा, हे सूर्यदेव, मुझे 1000 कवच दे दो और मेरे एक कवच को वही तोड़ सके जिसने 10,000 वर्ष तक तपस्या की हो। सूर्यदेव ने उन्हें मन वांछित वर दे दिया। सहस्त्र कवच होने का दुर्दम ने वरदान है पाया, दुर्दम से फिर सहस्त्र कवच वो दानव कहलाया। और वर पाया एक कवच मेरा भंग कर सके वही, 10,000 वर्षों तक जिसने कठिन तपस्या की। सोच रहा था ऐसा तपस्वी हो नहीं सकता है, यदि हो गया एक कवच को तोड़ ही सकता है। मृत्यु संभव नहीं है मेरी, हो जाऊंगा अमर, सहस्त्र कवच को अहंकार हुआ बस इतना ही सोच कर। अत्याचार अब तो उसके बढ़ने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दर्शन हो उदा है यही मोक्ष का द्वार। कर दर्शन हो उदा है यही मोक्ष का द्वार। प्रिय भक्त जनों, जब सूर्य देव ने अमर होने का वरदान नहीं दिया तो दुर्दम ने 1000 कवच होने का वरदान सूर्यदेव से मांग लिया और इतना कहा कि मेरे एक कवच को वही तोड़ सके
जिसने 10,000 वर्ष तपस्या की हो। प्रिय भक्तों, 1,000 कवच प्राप्त करने के पश्चात दुर्दम का नाम बदलकर सहस्त्रा कवच हो गया। उसने सोचा, कोई भी तपस्वी 10,000 वर्ष तपस्या करके मेरे सिर्फ एक कवच को तोड़ सकता है और 1,00,000 वर्ष तपस्या करना किसी के लिए संभव नहीं। अतः ना मेरे कवच टूटेंगे और ना ही मेरी मृत्यु होगी। इतना सोचकर सहस्त्रा कवच ने तीनों लोकों में अपना राज्य स्थापित करने की ठान ली। सबसे पहले उन्होंने सभी दैत्यों को अपने अधीन कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि किसी को भी तपस्या ना करने दे, क्योंकि कोई तपस्वी ही उसका कवच तोड़ सकता था। सहस्त्रा कवच ने फिर धरती पर अत्याचार बढ़ाए, दैत्यों को आदेश दिया कोई तप करने ना पाए। कर दो हत्या उसकी जो तप करता पाएगा, चिंतित हो गए देव, धर्म क्या नष्ट हो जाएगा। सहस्त्रा कवच के डर से कोई जो ना करे तपस्या, करने लगे विचार ये तो बड़ी गंभीर समस्या। यदि तपस्वी ही नहीं रहे तो हमें कौन पूजेगा, विष्णु जी के पास ही कुछ इसका समाधान मिलेगा। विष्णु जी की शरण में सभी देवता आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दर्शन हो उदार, है यही मोक्ष का द्वार। कर दर्शन हो उदार, है यही मोक्ष का द्वार। प्रिय भक्त जनों, सहस्त्रा कवच ने जब दैत्यों को आदेश दिया कि धरती पर जो कोई तपस्वी मिले उसकी हत्या कर दो, तो सभी देवता बड़े ही चिंतित हुए। सोचने लगे, जब कोई तपस्वी ही नहीं रहेगा तो धर्म ही नष्ट हो जाएगा। प्रिय भक्तों, जब जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होता है तो विष्णु जी ही तारणहार बनकर उसे मिटाते हैं। सभी देवताओं ने सोचा कि सहस्त्रा कवच का संहार करने का उपाय विष्णु जी ही बताएंगे, और इतना सोचकर सभी देवता विष्णु जी से आकर विनती करने लगे। हे प्रभु, सहस्त्रा कवच अपने अहंकार में इतना चूर हो गया है कि उसने धरती से तपस्वियों को मिटाने का आदेश दे दिया है। इसलिए हे प्रभु, आप शीघ्र ही उस पापी से हमें मुक्ति दिलाएं। विष्णु जी ने सोचा कि यदि 10,000 वर्ष तपस्या करके सहस्त्रा कवच का सिर्फ एक कवच भंग हो सकता है, तो किसी ऐसे स्थान की खोज की जाए जहां पर एक दिन तपस्या करने का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर हो। विष्णु जी ने देखा अपने दिव्य दृष्टि से, एकमात्र केदार खंड ही स्थान है धरती पे। सहस्त्र गुणा फल जहाँ तपस्या करने का मिल सकता, बोले विष्णु सब देवों से आप करे ना चिंता। सहस्त्रा कवच के अत्याचारों का हो जाएगा निदान, केदार खंड में धरती पर मैंने देख लिया है स्थान। जहाँ स्वयं ही जा करके मैं करूँगा आत्मचिंतन, इतना सुनकर सब देवों ने किया उनको वंदन। विष्णु जी केदार खंड में फिर चले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दर्शन हो उदार।
प्रिय भक्त जनों, देवताओं की पुकार सुनकर श्री विष्णु भगवान सोचने लगे कि सहस्त्रा कवच ने वरदान ही ऐसा मांग लिया है कि साधारण तौर पर उसका संहार असंभव सा लगता है। अतः किसी ऐसे स्थान की तलाश करनी पड़ेगी जहां एक ही दिन तपस्या करने से 10,000 वर्ष तपस्या करने का फल प्राप्त हो। श्री हरि विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि तीनों लोकों में सिर्फ पृथ्वी लोक पर ही केदार खंड नामक एक ऐसा स्थान है जहां एक दिन तपस्या करने का फल 10,000 वर्ष तपस्या के फल के बराबर है और स्वयं श्री हरि आत्मचिंतन के लिए केदार खंड में आते हैं। किंतु उन्होंने देखा कि यहाँ तो भोलेनाथ और माता पार्वती निवास कर रहे हैं। तब विष्णु जी सोचने लगे कि भोलेनाथ का स्थान ना तो मैं विनय करके ले सकता हूँ ना ही बलपूर्वक, अतः कोई दूसरी लीला करनी पड़ेगी। निवास स्थान जो भोले पार्वती का वहाँ पाया है, विष्णु जी ने फिर तो बालक रूप बनाया है। भोलेनाथ और माता पार्वती गए थे विचरण करने, फिर तो निर्णय किया है विष्णु जी ने अपने मन में। सोचा यहाँ तो भोलेनाथ और माता रहते हैं, बालक बनकर गुफा द्वार पर आकर बैठे हैं। भोलेनाथ और पार्वती माँ जब है लौट के आए, गुफा द्वार पर विष्णु बैठे बालक रूप बनाए। जोर जोर से देख उन्हें रोने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दर्शन हो उदार, है यही मोक्ष का द्वार। कर दर्शन हो उदार, है यही मोक्ष का द्वार। प्रिय भक्त जनों, गुफा द्वार पर एक अनजान बालक को बैठा हुआ रोते देखकर माता पार्वती का मातृत्व छलक आया और उन्होंने बालक को गोद में उठाने की चेष्टा की, तो भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, इसे मत उठाओ, ये कोई साधारण बालक नहीं लगता। यदि कोई माता इसे छोड़कर यहाँ गई होती तो उसके पद चिन्ह अवश्य मिलते, किंतु देखो यहाँ किसी के भी पद चिन्ह नहीं है। किंतु माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, आप कुछ भी कहें, किसी बालक का यूं रोना मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैं इसे गुफा के भीतर लेकर जाऊंगी। माता पार्वती भोलेनाथ के मना करने के पश्चात भी बालक रूप में विष्णु जी को गुफा के भीतर ले आई और उन्हें बड़ा प्यार और दुलार दिया। थोड़ी ही देर में बालक सो गया। कुछ देर पश्चात ही भोलेनाथ और माता पार्वती विचरण करने के लिए फिर से बाहर चले जाते हैं। जैसा चाहते थे विष्णु जी वैसा ही हुआ है, आत्मचिंतन करने के लिए उत्तम स्थान बड़ा है। बालक समझ कर माता पार्वती भीतर ले आई, विष्णु जी की माया को वो जान नहीं पाई। माता थी वो मातृत्व भी उनका छनक आया, प्यार दुलार किया है उसको पालन में है सुलाया। बाहर निकल गए फिर से दोनों उस बालक को सुला के, किंतु लौट के जब आए तो देखा उन्होंने आके, गुफा द्वार को भीतर से ही बंद पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दर्शन हो उदार, है यही मोक्ष का द्वार। कर दर्शन
प्रिय भक्त जनों, क्योंकि विष्णु जी को आत्मचिंतन के लिए ऐसा स्थान चाहिए था जहां एक दिन के तप का फल 10,000 वर्ष की तपस्या के बराबर हो, और इस प्रकार बालक बनकर उन्होंने ये स्थान ले लिया। अब भोलेनाथ के पास उस स्थान को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था, अतः भोलेनाथ और माता पार्वती गंधमादन पर्वत पर चले आए, जो स्थान केदारनाथ कहलाता है, और विष्णु जी वहां बैठकर तपस्या में लीन हो गए। उधर क्षीर सागर में माता लक्ष्मी अकेले बैठी हुई थी, तो मुनि नारद नारायण नारायण करते करते माता लक्ष्मी के पास पहुंच जाते हैं और उनसे पूछने लग जाते हैं। मुनि नारद ने माँ लक्ष्मी से फिर तो प्रश्न किया है, कैसे आप अकेली माता और विष्णु जी कहाँ हैं? माँ लक्ष्मी ने नारद जी को सारा हाल बताया, हंसकर बोले नारद जी है उनकी अजब ही माया, कैसे तपस्या करने को वो अकेले चले गए हैं, अर्धांगिनी हो माता तुम्हें कैसे छोड़ गए हैं, ना जाने कितने वर्षों तक रहेंगे तप में लीन, आपकी सेवा का अधिकार भी लिया उन्होंने छीन, आप भी जाओ वही मुनि नारद ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दर्शन हो भक्त जनों, मुनि नारद की बात सुनकर माता लक्ष्मी भी केदार खंड में आ गई और आकर देखा कि विष्णु जी घोर तपस्या में लीन हैं, उनके ऊपर ना कोई छाया है ना ही छत है, कभी वहां बरसात होने लगती, कभी धूप आ जाती और कभी बर्फबारी होने लगती। माता लक्ष्मी सोचने लगी, ऐसे तो इनकी तपस्या में विघ्न पड़ेगा। माता लक्ष्मी ने सोचा कि मैं ऐसा कोई यत्न करूं जिससे इनकी साधना में विघ्न भी ना हो और मुझे इनकी सेवा करने का अवसर भी प्राप्त हो जाए। तब माता लक्ष्मी ने एक विशाल बेरी के वृक्ष का रूप धारण किया और विष्णु जी के ऊपर छाया कर दी। प्रिय भक्तों, बेरी का दूसरा एक नाम बद्री भी है, तभी से इस स्थान को बद्रीनाथ कहा जाने लगा। सहस्त्रा कवच का करना चाहते थे क्योंकि संहार, बनकर बद्रीनाथ उन्होंने तभी लिया अवतार। 3 कोस की दूरी वहां पर धर्म क्षेत्र भी है, जहां तपस्या करने आए धर्म प्रजापति हैं, और साथ में करती तपस्या उनकी पत्नी मूर्ति, पति पत्नी दोनों चाहते थे एक पुत्र की प्राप्ति। उनकी तपस्या से विष्णु जी हुए बड़े ही प्रसन्न, धर्म प्रजापति और मूर्ति को जाकर दे दिए दर्शन, मन वांछित वरदान उन्हें वो देना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दर्शन हो उदा है यही मोक्ष का द्वार, कर दर्शन हो उदा है यही मोक्ष का द्वार। प्रिय भक्त जनों, क्योंकि सहस्त्रा कवच का वध करना आवश्यक हो गया था और कोई एक अकेला इतनी तपस्या कर नहीं सकता था, तो बद्रीनाथ से 3 कोस की दूरी पर धर्म प्रजापति और उनकी पत्नी धर्म क्षेत्र नामक स्थान पर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से तपस्या कर रहे थे।
तब विष्णु जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब माता मूर्ति ने कहा, हे विष्णु जी, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। विष्णु जी ने उन्हें वरदान दिया कि हे माता, तुम्हें मेरा ही स्वरूप नर और नारायण नाम के दो पुत्र प्राप्त होंगे, जो बड़े ही सिद्ध तपस्वी होंगे, और वही सहस्त्र कवच नामक दैत्य का भी संहार करेंगे। विष्णु जी का वरदान पाकर धर्म प्रजापति और माता मूर्ति बड़े ही प्रसन्न हुए। माता मूर्ति के मन में एक पुत्र की इच्छा थी, नर नारायण रूप में हुई उन्हें दो पुत्रों की प्राप्ति। क्योंकि विष्णु जी ने उनको ऐसा दिया वरदान, मेरा स्वरूप ही नर नारायण होंगे पुत्र महान। जिनकी कठिन तपस्या से हो सृष्टि पर उपकार, सक्षम होंगे सहस्त्र कवच का करने को संहार। नर नारायण फिर तो करने लगे तपस्या है, सहस्त्र कवच की सेना को फिर पता चल गया है। अनेकों दैत्य वध करने उनका चले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दर्शन हो उदा, है यही मोक्ष का द्वार। कर दर्शन हो उदा, है यही मोक्ष का द्वार। भक्त जनों, जब नर और नारायण तपस्या करने लगे तो सहस्त्रा कवच को पता चल गया कि नर और नारायण नाम के दो तपस्वी घोर तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी दैत्य सेना को उनका वध करने के लिए भेज दिया। किंतु नर नारायण तो विष्णु का ही रूप थे, भला दैत्य उनके सामने कैसे टिक पाते। सहस्त्रा कवच की सेना उनके तेज के समक्ष टिक ही नहीं पाई। अंत में सहस्त्रा कवच स्वयं युद्ध करने के लिए आता है तो सर्वप्रथम नर के साथ भिड़ जाता है। दोनों के मध्य बड़ा ही घोर युद्ध होता है और साँझ ढलते ढलते नर सहस्त्र कवच के एक कवच को तोड़ देते हैं। फिर अगले दिन नारायण युद्ध करने को आए और नर तो जा करके लीन तपस्या में हो जाए। नारायण ने कवच दूसरा तोड़ा दूजे दिन, नर आ गए हैं युद्ध करने को उससे तीजे दिन। एक युद्ध करने को आए और एक करता तपस्या, 999 दिनों का समय तो ऐसे बीता। सहस्त्रा कवच हुआ है फिर तो भक्त बड़ा भयभीत, लगा सोचने मृत्यु मेरी आ गई अब तो समीप। दोनों भाई अंत मेरा अब करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दर्शन हो उदा, है यही मोक्ष का द्वार। कर दर्शन हो उदा, है यही मोक्ष का द्वार। प्रिय भक्त जनों, जैसा कि हमने बताया, यहाँ एक दिन तपस्या करने का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के बराबर है। नर और नारायण दोनों ने बारी बारी युद्ध करके उसके 999 कवच तोड़ दिए। सहस्त्रा कवच ने सोचा, अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, तो युद्ध भूमि से भागकर सूर्य देव की शरण में चला गया। नर और नारायण भी उसके पीछे पीछे सूर्य देव तक पहुंच गए और कहने लगे, हे सूर्य देव, सहस्त्रा कवच को हमें सौंप दो। तब सूर्य ने विनती की, हे प्रभु, शरणागत की रक्षा करना
मैंने आपसे ही सीखा है, तो भला सहस्त्रा कवच को आपको कैसे सौंप सकता हूँ। हाँ, मैं वचन देता हूँ कि आज के पश्चात ये कोई भी पाप नहीं करेगा। तब नर और नारायण कहने लगे, किंतु इसका वध तो हमारे हाथों निश्चित है। यदि ये पाप भी नहीं करेगा तो इसे हमारे हाथों ही मरना पड़ेगा। किंतु हम दोनों भाई आपका भी अपमान नहीं कर सकते, अतः द्वापर युग में माता कुंती की पुकार पर आपको इसे माता कुंती की झोली में डालना होगा और तब ये कर्ण कहलाएगा और हम दोनों भाई कृष्ण और अर्जुन के अवतार में आएंगे, तब हमें इसका वध करना होगा। प्रिय भक्त जनों, इस तरह द्वापर युग में नर और नारायण ने श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लिया। तभी अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ, किंतु ये सारी लीला बद्रीनाथ के रूप में भगवान विष्णु ने ही की थी। केदार खंड में आकर विष्णु बन गए बद्रीनाथ, नर नारायण लिया अवतार है फिर तो एक ही साथ। दो दो रूपों में किए विष्णु जी जहां लीलाएं, फिर कैसे ना वो धरती बैकुंठ सी मानी जाए। आकर के जहां हुए अवतरित विष्णु जी साक्षात, बद्री बन माँ लक्ष्मी आई तब है बद्रीनाथ। आज तलक भी भक्तों को जहाँ देते हैं दर्शन, डीएस पाल ने श्रद्धा पूर्वक किया कथा का वर्णन। फौजी सुरेश से हंस राज रलहन लिखवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती का बैकुंठ है भक्तों जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर दर्शन हो